पे पहुंच गए हम तो। शायद म्यूजिक की आवाज आ रही है, कोई गिटार बजा रहा है। यहाँ से अब हम निकलेंगे, तो चलो चलते हैं। So let's see, okay? फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको स्टेप्स। वेल आज का एक प्लान बना है हमारा, हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने एम्यूजमेंट पार्क में, और उसके बाद हम चढ़ेंगे एक पहाड़ी जिसका नाम है सुलेमान तू। तो ये आज का प्लान है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एम्यूजमेंट पार्क में हम कितना फ़न करते हैं और कैसे क्या कहाँ पर कितना स्पेंड करना पड़ेगा और कितना ज़्यादा इन्जॉय हम कर पाएंगे, वर्थ इट है या नहीं। साथ में हम एक्सपीरियंस करेंगे कि सुलेमान पहाड़ी चढ़ने में कितना मज़ा आएगा। तो हम साथ में चलेंगे वहाँ पर, पूरा ग्रुप बना है हमारा, मतलब हमारी छोटी बहनें हमारे साथ हैं और कुछ भाई लोग, तो साथ में जाएंगे हम और साथ में ही हम पहाड़ी चढ़ेंगे सब लोग मिलकर। तो चलो चलते हैं, जलाल एक टैक्सी ऑर्डर करते हैं और पहुंचते हैं पहले एम्यूजमेंट पार्क। सो फ्रेंड्स, हमारी ये टैक्सी आ चुकी है यंडक से, तो बैठते हैं हम टैक्सी में और निकलते हैं हम अपनी मंजिल पर। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया और ये मैं टैक्सी से उतरा और टैक्सी वाले को करता हूँ बाय बाय। अब मैं यहाँ से उतरता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि सिग्नल जो है नीचे की तरफ है, अब इसको साइड नहीं मिला था तो उस वजह से इस बंदे ने हमें यहाँ पे उतारा। तो अब क्या करते हैं ना, अब सीधा जाऊँगा मैं वहाँ पे, वहाँ से मैं करूँगा रोड क्रॉस करने के बाद सीधा एम्यूजमेंट पार्क। ज़्यादा दूर भी नहीं है, अराउंड 2 किलोमीटर था बस। तो अभी चलते हैं। यह है पार्क, यहाँ पे रेस्टोरेंट, ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पे, कैफे, और बंदे बैठे हैं। यहाँ भी अच्छा खासा रश है अभी। वेल, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होने लगी थी तो उस वजह से जो है अभी थोड़ा यहाँ पे माहौल ठंडा है, बट ये गर्म होने में देर नहीं लगी। सो लेट मी गो मोर इनसाइड एंड एक्सप्लोर। तो पहले जो है हम ये वाली कोस्ट राइड ले लेंगे, तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ, अभी हम 5 बंदे फिलहाल, तो 5 बंदों की टिकट लूँगा। ये मेरे पास 500 है, 60 पर हेड, दैट मीन्स 300। सो लेट मी पे। प्रथम लादना, तो मैं जो है कहाँ पे बैठना प्रेफर करूँगा, आई थिंक मैं थोड़ा पीछे ही बैठ जाऊँ, मैं पीछे बैठूँगा ताकि जो है मैं अपना ब्लॉग अच्छे से शूट कर सकूँ। ये मैंने कर दिया, सीट बेल्ट लगा दी, और ये जो है पीछे आप देख सकते हैं जो ये वाला रॉड है ना, ये मेरे आगे लगा हुआ है, दैट मीन्स आई हैव टू होल्ड इट इफ आई फियर। यही चलने वाला है और इस पाथ पे ही चलेगा। ये हम चले, ओ ये तो भाई साहब अजब है, बिल्कुल एक नंबर भाई। ये हमारी राइड हो गई ख़त्म, लिटरली आई टेल यू, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे, बट स्टिल इट वॉज गुड। सो लेट्स ट्राई अनदर थिंग, इसमें तो मज़ा नहीं आया, बट लेट मी टॉक टू द किड्स, उनको अच्छा लगा तो उनके यहाँ भी आवाज़ ये आ रही कि मज़ा नहीं आया, बट कोई बात नहीं, हम दूसरी वाली चीज़ ट्राई करते हैं, इसमें मज़ा नहीं आया तो क्या हुआ। लेट मी डिसाइड वेयर विल गो, लग रहा है कि इस पे तो यार मज़ा आने वाला है, डरने चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा यार, कुछ तो करे बच्चों की तरह ना लगे ये भी है। सो लेट सी मज़ा आता है क्या, इसका तो पता ही होगा सबको भाई, घूमता रहता है, अभी स्टार्ट हो गया है। सो सी, हम झूला झूल रहे हैं, सो लेट सी। ओके, तो ये झूला रुक रहा है अभी, या ये वाला फन था, बट इसमें जस्ट ये होता है कि हमारे स्टोमक के इधर उधर कराते हैं और उस वजह से हमें वोमिट फील होता है, दैट्स इट। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत डर भी लगता है जब ये ज़्यादा ऊपर जाता है ना, तो थोड़ा बहुत फन इसमें भी चलता है उसमें भी। तो अभी बच्चे बोल रहे हैं कि उस वाले में भी चलते हैं हम, सो लेट्स सी। उधर भी ट्रेन उतरते हुए बिल्कुल सही सलामत, और यहाँ पे अभी लोकल लोग जो हैं वो चढ़ रहे हैं ऊपर। अब हम पहले डिसाइड करते हैं क्योंकि स्टमक थोड़ा अपसेट हो गया, 5 मिनट रेस्ट, उसके बाद झूलेंगे नया जो। यहाँ पे जो है ये भूल भुलैया में जाने का शौक आया बच्चों को, तो मैंने बोला चले जाओ, सो ऑल्सो 60 सोम, तो बच्चे गए, जाने दो, देखते हैं कितना फन करके आएंगे वो। 5 मिनट दे रहे हैं और 5 मिनट में इसमें से बाहर निकल के आना है कैसे भी, सो देखते हैं वो कितने मिनटों में बाहर आती है। सो वेट हियर, और अगर मुझे लगा तो सो आई विल ऑल्सो गो इनसाइड एंड आई विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट थिंग, सो लेट मी वेट। तो फ्रेंड्स, हमारा बच्चा बाहर आ गया विद इन 2 मिनट्स,
तो बोला बिल्कुल कुछ अंदर नहीं है, छोटा सा है, एक राउंड में बाहर आ गया, सो जाना वेस्ट, तो हम दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पे मज़ा है। पार्क से बाहर आया हूँ और ये पार्क के बाहर थोड़ा नज़ारा है, जस्ट बिकॉज मैं आया, द रीज़न इज़ सिंपल, मैं नहीं चाहता था कि मैं खामखा अपना टाइम वेस्ट करूँ क्योंकि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पहाड़ी चढ़ेंगे, आगे है बिल्कुल पहाड़ी जो हमें चढ़नी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ से रास्ता है तो यहाँ को भी एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ देखते हैं और एंजॉय करते हैं, थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, निकलते हैं। ये मेरे पीछे से थोड़ा नज़ारा मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, यहाँ रेस्टोरेंट भी है और बैठने की जगह भी है। और यहाँ से अब हम निकलेंगे, तो चलो चलते हैं आगे। सी पहाड़ी जहाँ पे झंडा लहरा रहा है ना, फ्लैग जहाँ पे, हमें बस वहाँ पे पहुँचना है, तो सोच लो कितनी ज़्यादा दूर है, यहाँ पहुँचना है हमें, तो चलते हैं हम लोग। लेट मी शो यू, ये है मेन फैकल्टी, यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन वट एवर विल बी वो यहाँ पे हो जाता है हमारा। तो फिलहाल इसके पीछे जो है ना खाने की अच्छी चीज़ जगह मिलती है, लाइक देखो हमारा जो टेस्ट रहता है ना वो थोड़ा डिफरेंट रहता है एज इंडियन पाकिस्तानीज, यहाँ स्पेसिफिक प्लेस ले लो कश्मीरीज एंड ऑल दैट। तो वैसे क्या रहता है ना, हम वो प्लेस पे डिसाइड करते हैं जहाँ पे हमें ऐसा खाना मिले जो मतलब थोड़ा बहुत रिजेंबल करे हमारे खानों से। तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ नॉन वेज वाली ज़्यादा चीज़ें मिलती है वैरायटी में और बिल्कुल फीकी फीकी मसाले यहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं होते, तो उस वजह से उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं रहता। सो चलो चलते हैं हम, और मैं दिखाता हूँ आपको हम कौन से वाले रेस्टोरेंट जाएंगे और उधर जाके करते हैं ऑर्डर। ये है चिकन्स, तो यहाँ पे चिकन बर्गर मिलेगा हमें, कबाब मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं यहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। दिस इज़ द रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे लेट्स सी हम क्या खा पाएंगे, देयर इज़ द मेन्यू, वो रहा हमारा मेन्यू, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं हम बाकी ड्रिंक्स में। इसका व्यू है बहुत ही प्यारा है, देखो आप डेकोरेशन कितना सही है। ये रशियन में लिखा हुआ है चिकन रोल ऑस्त्री, ऑस्त्री मीन्स स्पाइसी, लाइक यहाँ पे चिली दिखाई हुई ना इन्होंने, तो ये तीखा तीखा रहेगा। और बर्गर भी हमने, मैंने बताया था ना कि इंडिया हिसाब से ही लेंगे हम, तो भाई चिकन बर्गर जो हमने लिया वो भी हमने लिया चिली वाला देख के। और साथ में हमने जो ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर किया यहाँ पे कोला 100 रुपीज़ वाला 1.5 लीटर का। जो कोला वगैरह है ना ये हमारे इंडिया पाकिस्तान से बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे, मतलब उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बट एटलीस्ट 10-15 का तो फ़र्क होता ही होता है। एंड ये लॉकडाउन के बाद ही थोड़ा महंगा हुआ आई थिंक, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा सस्ता था। और अभी देख लो आप रेस्टोरेंट में है तो थोड़ा ज़्यादा महंगा ही मिलेगा मार्केट की प्राइस, अदरवाइज मार्केट में ये वाला प्राइस रहता है इस वाले का। सो चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑर्डर कर लिया है, सो लेट्स वेट एंड लेट आवर ऑर्डर कम एंड वी विल एंजॉय। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास आ चुका है ये वाला कोला और ये इनके ग्लासेस, सी लेट मी टेक वन आउट, इस तरीके की ग्लासेस हैं और इनमें हम पियेंगे। चलो पीते हैं फिलहाल कोला क्योंकि, और उसके बाद जब तक ऑर्डर हमारा आएगा तो उसके बाद हम खाना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स ये देखो हमारा ऑर्डर आ गया है, 4 बर्गर है, 1 शोरमा है, मैं शोरमा खाऊंगा, ये लोग बर्गर खाएंगे, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई दिस, लेट्स सी कैसा होता है। सो फ्रेंड्स ये रहा शोरमा, बहुत अच्छा है, टेस्ट बिल्कुल थोड़ा घर जैसा ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। अब इसको खा के फिनिश करके सुलेमान चलेंगे, सो चलो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं ताकि हम चलें, पहाड़ी चढ़नी है बिल्कुल, तो एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, सो लेट्स गो देन। सो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया हम लोगों ने, अब हम चढ़ेंगे पहाड़ी की तरफ और अभी बज रहे हैं 8, सो 9-10 तक रात के हम वापस आएंगे क्योंकि अभी का नज़ारा अच्छा होता है और फिर कल से नॉर्मल स्केड्यूल स्टार्ट होगा स्टडी वटडी का, लेकिन अभी के लिए बस ये एंजॉयमेंट है थोड़ा बहुत, तो निकलते हैं हम सब लोग साथ में, अभी सबका खाना हो गया है, अब सीधा सुलेमान तू चढ़ेंगे, मैं आपको रास्ते में थोड़े थोड़े शॉट्स बताऊँगा उसके, और फिर उसके बाद जब हम ऊपर चढ़ेंगे वहाँ से व्यू दिखाऊँगा क्योंकि वहाँ से पूरा ओश दिखता है, और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेंगे वहाँ पर और फिर उतर जाएँगे और फिर सीधा घर। तो चलो करते हैं थोड़ा और एंजॉय और एक्सप्लोर भी साथ में। सो फ्रेंड्स ये रहा पहाड़ी का रास्ता, यहाँ से हमें पहाड़ी चढ़नी है,
तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चढ़ना। तो वहाँ से हमारा एंट्रेंस है, वहाँ से हमें जो है पे करना पड़ेगा टिकट के लिए। तो हम टिकट लेंगे वहाँ से और चढ़ जाएंगे। वेल, ना मुझे इसकी हिस्ट्री पता है और ना मैं बोलने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन ऊपर चढ़ के जो बोर्ड्स होंगे वो सब मैं पढ़ूंगा एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। लेकिन जो भी लुक है ना इधर, लिटरली मुझे घर की याद आ रही है। लाइक आई लिव इन अनंतनाग, सेम बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ज़रा भी डिफरेंस नहीं लग रही कि मैं किसी और जगह आया हूँ। तो हम बाकी जो है, बाकी ऊपर चल के देखते हैं कितना मज़ा आएगा। और अभी के जो बज रहे हैं ना 8:30 बजे, और 8:30 को आपको पता ही है कि कैसा मौसम रहता है, और 8:30 को यही सीन है। लोग अभी चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो हम भी चढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वेल, पूरा चढ़ना है और दूसरी साइड से उतरना है। सो एक वे से चढ़ेंगे, दूसरी वे से उतरेंगे। सो चलो चलते हैं और टिकट लेते हैं वहाँ पे। एक बादाम का पेड़ भी मिला। वेल, हमारा कोई टिकट नहीं लगा क्योंकि रात के टाइम जो है ये टिकट नहीं लेते हैं। वहाँ पे लिखा था कि 8 बजे के बाद आपका टिकट नहीं लगेगा। बाकी ऐसी अब सीधा चढ़ते हैं ऊपर, और रास्ते में अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना यही है कि हमें चलते रहना है। तो चलो चलते हैं यार। और अभी आप देखें, हम थोड़ा सा ही चढ़े और कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत प्यारा। अभी बड़ा चढ़ना बाकी है यार, चढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी आप व्यू देखो कितना प्यारा है गाइस, सी। और पीछे से भी माशाल्लाह। अभी जस्ट हम थोड़ा सा चढ़े हैं तो ऊपर का नज़ारा कितना सुंदर होगा वो खुद ही सोच लो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, हर कोई मोमेंट इंजॉय करना मेरी तरह, चलते हैं। ये देखिए ऊपर चढ़ के नज़ारा, यहाँ पे एक मस्जिद है कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अभी और रात होगी तो और खूबसूरत लगेगा। करते हैं वेट और रात होने, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ज़्यादा नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं पहले चढ़ूं और उसके बाद थोड़ा और ऊपर आके ये नज़ारा है। ये हमारा मेन कैंपस है आगे, और बाकी ओश देखो, सुंदरता देखो भाई लोग, सुंदरता। चलो और ऊपर चलते हैं। ये आप देखें एक और पड़ाव, आधा कर लिया, आधा बचा है, आधे के लिए चलते हैं। अभी भी प्यारा व्यू आ रहा है, तो देखते हैं कितना प्यारा व्यू और ले आते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली एंड पे पहुंच गए हम। तो शायद म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, कोई गिटार बजा रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप में बजा रहे हैं वो, और सॉन्ग्स भी गा रहे हैं। सो आई विल शो यू द बैक व्यू। लिटरली नाउ इट्स ब्यूटिफुल। वो रहा मेन कैंपस, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप देखो कितना छोटा लग रहा है। अब और ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से व्यू कर सकते हैं हम जो भी करना है। तो फिलहाल ऊपर भी बैठने का अच्छा इंतज़ाम है, और मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, पसीना भी देख सकते हो। तो थोड़ी देर बैठते हैं और आराम करते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम उतरना नीचे स्टार्ट कर देंगे। पहले 5-10 मिनट एटलीस्ट बैठ लेंगे, इधर थोड़े गप्पे लड़ाएंगे दोस्तों के साथ, और क्या। तो चलो थोड़ी बहुत गप्पे लड़ाते हैं दोस्तों के साथ और देखते हैं हम भी नज़ारा, फिर आपको भी दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नाइट व्यू, सी। बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा इधर से। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब निकले यहाँ से, क्योंकि जो खाया था वो तो भाई पच भी गया। अब जाएंगे घर, और घर पे जो बनाया है वो खाएंगे। फिलहाल के लिए दिस मच इज़ एनफ, नाउ वी विल टेक ए लीव। तो उतरते हैं अब, तो चलो चलते हैं। तो अभी देखो आपको पूरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सही समझा आपने। अब निकल रहे हैं वापस, और वापसी का मंज़र कुछ यूँ है कि अभी देखो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँगा इस लाइट में। सो इट्स बेटर कि मैं पहले नीचे उतरूँ अच्छे से, और कहीं पे लाइट में मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत ज़्यादा डाउन है। सो चलो नीचे चलते हैं और उधर जाके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे अच्छे से उतर गए हैं। यस, अभी बिल्कुल मैं सिटी में हूँ, और अभी क्या प्लान है हमारा, अभी आइसक्रीम खाने का प्लान है, और उसके बाद सीधे चलेंगे हम घर, खाएंगे खाना और सो जाएंगे। ये थी आज दिन भर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट अलॉट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती है, तो कमेंट्स पे ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा चैनल पे।
और इंशाल्लाह थोड़ा स्टडी के रिलेटेड भी आएगा, थोड़ा जल्दी आएगा. आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली व्हेन, बट इट विल कम सून. एंड हॉस्पिटल के प्रैक्टिस के रिलेटेड भी आएंगे. फिलहाल ब्लॉग्स चलेंगे, सो प्लीज़ आप अपना प्यार दे बहुत सारा. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल. गुड बाय.